ओम शांति। नए साल के सभी दर्शकों को बहुत 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 बधाई हो। आज नए वर्ष के लिए सभी बहुत पार्टियाँ मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, परंतु एक दो दिन खुशी मनाकर फिर जैसे कि वैसे ही हो जाएंगे। परंतु जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान दिया है उन्हों के लिए नया वर्ष या खुशियाँ सदैव रहती है। सदैव हम खुशी में डांस करते रहते हैं, बाबा के गुण गाते रहते हैं और बाबा से अविनाशी खजाना लेते रहते हैं। दुनिया वाले आज बहुत परेशान हैं। 2 साल से कोरोना के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपना नौकरी धंधा छोड़ा, परंतु बाबा के बच्चे बाबा की रक्षा के अंदर है। जैसे लौकिक पिता बच्चों की जिम्मेवारी लेते हैं, ऐसे शिव बाबा परम पिता हमारी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं और अपना अविनाशी खजाना हम बच्चों के लिए खुला रख दिया है। तो हम बाबा से निर्भयता और सामना करने की शक्ति, प्यार की शक्ति जितना भरते रहेंगे तो क्या है, दुनिया की परिस्थिति का हम सामना भी कर सकेंगे और औरों को हम सहारा भी दे सकेंगे। तो पिता के बच्चे होने कारण हमारा पिता की प्रॉपर्टी पर सब हक है और खुशी है कि बाबा शिव बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं, जो हम 21 जन्मों तक कभी दुखी नहीं होंगे। हमारे लिए सुख ही सुख होगा, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे और वो सिर्फ भविष्य में नहीं रहेंगे, इस संगम युग में भी हम हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। तो हमारी शुभ आशा है कि आप परमात्मा की ये आज्ञा मानकर चलते रहेंगे तो बाबा हमें सब कुछ देंगे। आज्ञाकारी बच्चे, लायक बच्चे बाप की सब प्रॉपर्टी के हकदार है और बाबा सर्वशक्तिवान है। हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं तो कोई भी परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। बाबा को रक्षणहार कहते हैं और बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, तुम बच्चों को कोई चिंता नहीं करनी है, कैसी भी परिस्थिति होगी मेरे बच्चे सेफ रहेंगे और खाने के लिए रोटी और दाल जरूर मिल जाएंगी। तो इसलिए हमें आत्मा समझकर अपने को बाप को याद करना है और बाप का हाथ पकड़ करके बाप की पढ़ाई पढ़ेंगे तो कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, रुलेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। तो जितनी रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे तो नेचुरली नवाब बनेंगे, अर्थात विश्व के मालिक बनेंगे। तो हमारी आशा है कि आप ये नए वर्ष को अपने में निश्चय करेंगे कि हम बाबा की पढ़ाई पढ़कर और अपना भविष्य जरूर ऊंच बनाएंगे। ओम शांति।